सुहे गाइस गुड इवनिंग। चलिए आज हम अचार डालने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी अचार अम्मा डालेंगी। ओके चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं अपनी अम्मा को। ये हमारी अम्मा जी हैं और देखिए मूली का अचार बन रहा है। और ये पूरा मसाला जो पचफोरन का मसाला होता है वो मसाला है। और ये हरा मिर्चा है और वो खटाई है। ये सरसों का तेल और ये है नमक। बता रही हूँ आपको कि माता जी का हाथ का रखो अचार बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब होता है, क्योंकि इसीलिए हम नहीं डाले हैं, बोले हैं कि अम्मा जी को बुलाकर डालें। ये खटाई है और नमक और सूखा मिर्चा पड़ चुका है, हरा मिर्चा ऊपर से। बहुत ही अच्छा लगता है अचार इनके हाथों का। नमक थोड़ी डाल लें, चीख के फिर डालो। तो चलो भैया देख सूख गई ला बह का ढेर का। तो देखिए ए हरदिया तेन दे देवा, हरदिया बुला गई नहीं पियर पियर ना लोग तुम कहीं खाए ना। तो क्योंकि इनके हाथ का अचार बहुत ही चटक स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। और सब लोग सबको मस्त जो ना तुम डाल फिर बाद में दादा कुल डाल दे। देखिए बहुत ही अच्छा होता है अचार इनका। इनके ये लाडले बहुत आंख मारा था सीधे लौक था मोबाइल देखना चाहिए कि वीडियो बन रहा है बहुत ही अच्छा भी तेल पड़ेगा, बहुत ही एकदम खिलाएंगे खा कर देखेंगे इतना मस्त ना अम्मा के हाथ का अचार। हम तो गुजारा ने कुल खटैया डाले कन्हे के डेढ़ बजे ना खट हो जाए। तो देखिए अचार मूली का बहुत ही अच्छा। और आप लोग देखिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा ये अचार। और जरूर ये वीडियो पूरा देखिएगा। हरियर का मिर्चा डाल दी नहीं वो रहला। अब देखिए डाल दिए नहीं हरियर का मिर्चा डाल दी, बादाम खाए में मजा आला नहीं डाल दी, खिल जाई वही में सूखी ना वही मेरा दी उसे ही खाए में मजा आला। जो कि हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि तीखा तीखा खुद ही हम परेशान हैं खा के। और ये हमारी अम्मा जी हैं जो बहुत ही चटक चटक इनको खिला खिला के चटक चटक हमेशा ये जो ये हैं हमेशा बस पूरी 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 खाने के लिए बेकल रहते हैं। यही हैं हमारे हस्बैंड जी और ये हम। और अचार बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर वो बताइएगा क्योंकि ये माता जी ने अचार डाला है। ओके बाय गाइस। अब ठीक हो गया।